हेलो दोस्तों, विशिष्ट शॉर्ट हैंड चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि नई नई डिक्टेशन आप सभी तक जल्दी जल्दी पहुंच सकें और जल्दी से जल्दी आप सिलेक्शन पा सकें। स्टार केंद्रीय बजट में सभी के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के लिए कृषि क्षेत्र में उत्पादकता, रोजगार और कौशल विकास, समावेशी विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, नगरीय विकास, ऊर्जा सुरक्षा, आधारभूत संरचना, नवाचार और अनुसंधान, साथ ही अगली पीढ़ी के सुधार को प्राथमिकता देने की कोशिश है। सरकार को विकसित भारत की ओर बढ़ना है, साथ ही बेरोजगारी, गरीबी, कृषि की बदहाली सहित अनेक सामाजिक आर्थिक चुनौतियों के मध्य सियासत की मजबूरियों से भी निपटना है। कृषि क्षेत्र का उत्पादन, आजीविका, रोजगार सृजन की क्षमता के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद है। बजट में कृषि में बदलाव, उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु अनुकूल किस्मों की विकास हेतु कृषि अनुसंधान व्यवस्था की समीक्षा प्रस्तावित है। दलहन तथा तिलहन के उत्पादक, भंडारण, प्रसंस्करण तथा विपणन व्यवस्था में सुधार कर भारत को इस मामले में आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प है। बजट में सब्जी उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला, संग्रहण, भंडारण और विपणन, सब्जी आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए सहकारी समितियों और स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे न केवल किसानों की आय बढ़ेगी बल्कि उपभोक्ता भी लाभान्वित होंगे। कृषि अनुसंधान, डिजिटल सर्वेक्षण तथा सहकारिता के लिए भी प्रयास होंगे। सहकारी क्षेत्र का व्यवस्थित और सर्वांगीण विकास 10,000 आवश्यकता आधारित जैव इनपुट संसाधन केंद्रों की स्थापना तथा नाबार्ड के माध्यम से वित्त पोषित झींगा पालन, प्रसंस्करण और निर्यात प्रस्तावित है। 3 वर्षों में देश की 400 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण का प्रस्ताव है। बजट में शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास हेतु 1.48 लाख करोड़ रुपये प्रस्तावित है। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा तथा कौशल विकास में समन्वय हेतु प्रयास किए गए हैं। प्रधानमंत्री पैकेज के तहत शिक्षा तथा रोजगार की 5 नई योजनाओं में 4.1 करोड़ युवाओं के रोजगार तथा कौशल विकास हेतु 2 लाख करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। रोजगार प्रोत्साहन हेतु EPFO नामांकन आधारित 3 योजनाएं हैं। विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को शुरुआती 4 वर्षों में उनके EPFO अंशदान के अनुसार कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे 3 लाख युवा लाभान्वित होंगे। विकसित भारत की प्रतिबद्धता
तथा संकल्प को पूरा करने के लिए विकास भी विरासत भी के मंत्र के साथ सक्षम विनिर्माण और आधारभूत संरचना समावेशी एवं सतत विकास कृषि एवं ग्रामीण विकास शिक्षा कौशल विकास तथा रोजगार के जरिए मौजूदा सियासी माहौल को NDA सरकार द्वारा साधने की कोशिश है। समय बताएगा कि बजट किसान युवा महिला तथा गरीब के बेहतरी के साथ विकसित भारत की ओर बढ़ने में कितना कामयाब हो सकेगा।